भाई एग्जैक्टली सेम मंजर था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। क्या वो व्लॉग अपलोड नहीं हुआ? अभी हो रहा है ना, देखो। अच्छा, मेरे में तो कॉपीराइट आया था तो मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। बाकी भाई सुबह सुबह गुड मॉर्निंग गाइस। दिखाऊं अभी? दिखा। साढ़े दो टू कैच कर दे। तो अभी ना कितना टाइम हो रहा है भाई? 11:20 हो रहे हैं और अभी अपन पैक वैक करके चाय वाय पी के बस यहाँ से गाड़ी के पास जाएंगे। गाड़ी के पास जाना भी भारी काम है। बहुत दूर है ना गाड़ी? हाँ। पाकिस्तान में लगा के है ना भाई। तो हम रेडी हो गए, नहाए तो है नहीं, बस ऐसे ही रेडी हो गए। मैं और लक्ष्य जा रहे हैं गाड़ी लेके आने एल्विश भाई की। अच्छा, ताकि नेट आ जाए उनके। तो अभी क्या है ना कि एल्विश भाई की गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। वैसे तो ये रात में निकल रहे थे, उसके बाद चाबी कहीं मिली नहीं रही है। बहुत सुबह से खोज रहे हैं, लेकिन गाड़ी खड़ी है। गाड़ी लॉक्ड है ना? गाड़ी तो अपनी दोनों एक साथ ही खड़ी थी। देख रहे भाई, व्लॉगर्स लाइफ भाई। चलाना एक बार, इसको स्पीड आती है। सुनो तो, एक ना जहाँ पे टावर दिखता है ना, टावर के नीचे खड़े रहते हैं। टावर खोजो, एयरटेल का या किसी चीज का भी टावर मिल जाएगा ना, वहाँ पे फटाक से हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू भाई। तो अब हमारा डाउनलोड और अपलोड स्पीड ये है, क्योंकि हम खड़े हैं टावर के एकदम नीचे। ये सामने दिख रहे हैं टावर, अब आ रहा है ना? तो तभी भी नहीं बढ़ रहा यार ये। अभी तो हॉटस्पॉट कितना मस्त चल रहा है। फिर उसमें शायद दोबारा अपलोड पे लगा दो अगर। 32-33 हो गया। हो गया ना, अभी जल्दी हो जाएगा। तेरी खत्म हो गया, अपलोड हो गया ना कटारे तेरी, इस वजह से ही हो रहा। हाँ, कटारिया सारा नेट खा जा रहा था। हाँ जी हाँ। भाई तो फाइनली वीडियो तो अपलोड हो गया, अब उसमें जो भी थंबनेल वगैरह वाला काम है ना वो चल रहा है। यहाँ पे थैंक्स बड़ी, थैंक्स इतनी दूर लाके अपलोड कराया आपने। और मैं इसके 500 रुपए चार्ज करता हूँ, तो अगर आपको भी वीडियो अपलोड करना है और टावर के नीचे आना है तो 500 रुपए पेटीएम करो। तो अभी चेकिंग दिखा रहा 16 मिनट की। भाई तो रिजॉर्ट हमने इतना गंदा किया ना कि इसकी पूरी सफाई करनी पड़ रही है। हाँ, शादी के बाद घर किसी और ने किया। हाँ, मतलब वही। ये देखो, ये मायूस चेहरे। ये क्यों मायूस है? ये चाय मंगाए ना, ये 3 चाय हमारे लिए ना। हाँ, थैंक यू भैया। मायूस चेहरे दुखी होते हुए आ जाओ। भैया एक तो विदाउट शुगर बनाना। विकास भाई, मैं कितना दूर हूँ इन सब चीजों से यार। सही बात है, बैठ के चाय पी रहा हूँ। हाँ ठीक। अभी ना एक एप्पल का ना टैग आता है ना, तो वो अपने गाड़ी के चाबी, वॉलेट और आईपैड वगैरह। आईपैड तो चलो मतलब वो अगर नेटवर्क में रहेगा तो वो दिखाता रहता है लोकेशन आई बाकी सारे डिवाइसेस का। बट इन सारे डिवाइसेस में ना वो टैग मंगवाना पड़ेगा यार। पता नहीं, आई थिंक थोड़ा महंगा आता है यार। भाई वो टैग कितने का आता है? टैग कितने का आता है? 5,000 रुपये का। सॉरी, एक ही मंगवाऊंगा, इतने तो पैसे नहीं है ना मेरे पास। फिर नॉर्मल हर एक एक लाइन के बाद हंसते रहना चाहिए। देख रहे हो, ये बाकियों की चाय, ये बाकियों की चाय के कप खाली कप पड़े। मैं तो एक अपनी उठा ली। मैं करना करा दोनों जिम्मा लिया हमने। हाँ भाई, 3 दिन से चाय ना मिली तो 3 दिन का एक दिन में ही कोटा पूरा करना। अब मेरे को भी याद आया, फिर से आ गया हमारा ब्रेड ऑमलेट। भैया मैगी भी थी ना? मैगी आ रही है, ठीक है। पर मैगी तो सिर्फ वेज वालों के लिए है ना? हाँ, मेरे लिए। और मेरे लिए भाई इसको दे दो, ये खाइए। मैं तो मैगी खाऊंगी। अरे नहीं, तू यही खा ले। आपको मेरी मैगी पे कोई याद नहीं डालने साफ सी बात। एक चम्मच, एक चम्मच। मार लेंगे। हम लोग सब जा रहे चाबी खोजने। तो लास्ट चाबी हमें पता चली कि भैया लास्ट चाबी निकलने से पहले, मतलब रात में निकलने से पहले, चार्जर मेरे बैग में, मेरे गाड़ी में। तो अभी हम ना जहाँ पे वरमाला हो रही थी ना वहाँ पे जा रहे हैं, एंड वहाँ पे एक बार चेक करेंगे। क्योंकि उसके पहले देखो, अभी ब्योमकेश बख्शी वाला ना पूरा काम हो रहा है कि भैया लिंक जोड़ रहे हैं हम, एक एक करके एक दूसरे से कड़ी जोड़ रहे हैं। कड़ी से कड़ी मिलाते हुए 2 कड़ी हमारे आगे चल रही है और 3री कड़ी मैं। कोई तो एक कमजोर कड़ी है। हाँ वो ये है। भाई यहाँ पे था वरमाला स्टेज, तो ऐसा लग रहा है यार अजीब सा ही हो गया। इधर उधर कूद तो नहीं रहे थे? कल नाचने में तो पता ही चल रहा था, पिछले वीडियो में सबने देखा ही है कितना कूद रहे थे। भाई लाइफ में ये आदमी सबसे चिल।
भाई हम सब उधर चाबी को कह रहे हैं भाई देखा जाएगा, नहीं दूसरी चाबी मंगा ली है, दो घंटे पहुंचे, रेस्ट करो भाई क्या करें। सही बात, बाहर निकलते कुछ ना कुछ हो रहा मेरे साथ, निकलो रूम में ही रहो। नहीं भाई सारे कपड़े ना ऐसे ही फैले पड़े और चाबी हम देख के आ गए, भाई चाबी वहां भी नहीं है, स्टेज हम पूरा छान के स्टेज के नीचे जो ग्रास है ना वहां भी देख के आ गए। भाई मैं बताता हूँ किसी ने क्या करा, जिसने मेरी गाड़ी में बार स्क्रैच मारा था ना वो आया होगा अंदर, उसने मेरी चाबी उठाई और कोई ऐसे घुमा के फेंक के मारी उसने फॉर श्योर, क्या तो उसने बाहर फेंक के पीछे की साइड अगर मिलेगी तो वहां मिलेगी भाई। लेकिन स्क्रैच तो कसोल में लगा था ना, तो राजस्थान तक कैसे आया वो? कसोल नहीं, यहाँ भी मारा है जहाँ पे खड़ी थी गाड़ी। अच्छा अभी? हाँ कल। अच्छा ये तो मैंने देखा ही नहीं यार, राइट वाली खिड़की पे मारा। हाँ ये चाबी, मुबारक हो, चाबी कहाँ है? चाबी आ गई है, चाबी आ गई लाला। हाँ आ गई भाई, गुड़गांव से स्पेशली आई है चाबी, फॉर्चुनर की चाबी, फॉर्चुनर में। चलो भैया अभी रेडी हो जाओ फटाक से। ओहो फाइनली फाइनली आ गई भाई। सो जी यहाँ से अपने घर का जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो 179 किलोमीटर दिखा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट अपने को 4-4.5 घंटे लग जाएंगे NH 48 से, तो स्टार्ट कर देते हैं भैया। और अपने को शाम में ना एक कॉकटेल फंक्शन अटेंड करना था, मतलब करण की सिस्टर का एक्चुअली 22nd को मैरिज है, तो आज ना कॉकटेल वाला फंक्शन था, बट अभी यहाँ इतना लेट निकल रहे ना कि 8 बजे तक हमें पहुँचना था, वो तो हम डेफिनेटली नहीं पहुँच सकते। तो करण भाई अगर आप देख रहे हो तो आप मतलब छोड़ना, एक अगर किसी के साथ भी अगर ऐसा है ना, एक ग्रुप में आए हो और एक गाड़ी या किसी के साथ भी प्रॉब्लम होता है तो उसको छोड़ के नहीं जा सकते यार, मतलब दीज आर टफ टाइम्स। ये आपको ना बताता है कि कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है। तो यार पता नहीं क्या, करण भी बुरा ना माने बस, तो ये है करण भाई, सॉरी 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 सो मच भाई। फाइनली निकल गई है गाड़ी, हाँ आगे बढ़ा लेते ना तभी भाई निकाल पाएंगे। एक मिनट रुक, बैक करो, बैक करूं? एक मिनट बैक कर लो, आगे निकाल लेता हूँ ना। सामने देखो ना आया दिल में हुई हलचल, एक गांव के रास्ते में हम घुस गए। अब ये ना बेसिकली घुसना नहीं था लेकिन आगे वाली गाड़ी ना जीपीएस फॉलो कर रही थी और जीपीएस में यही रास्ता दिखा रहा था, तो अब इस रास्ते में देख रहे हो भाई एकदम खतरनाक ही है, थोड़ा सा आगे है वो हमसे। ये रास्ता ना हमें क्योंकि पता था कि भाई सीधा सीधा रास्ता जहां से हम निकले थे ना वहां से हम NH 8 पे टच करते, अब ये रास्ता ना अंदर अंदर से होके हमें ले जाएगा, विच इज नॉट सेफ। बट दो अभी 6:30 ही बज रहे हैं तो फिर भी यार अंधेरा तो हो ही गया है। जंगल पता नहीं जंगल है क्या है, ऐसे तो दिख नहीं रहा होता ना, बट पतला सा गांव वाला पगडंडी वाला जो रास्ता होता है ना भैया, हाँ ग्राम पंचायत वाला जो योजना का रास्ता होता है ना उस टाइप का है। अब यहाँ पे पता नहीं कितने देर में हाईवे आएगा, अभी तो कोई क्या दिखा रहा है, बबरू अलबम ऐसा कुछ रोड है भैया, अजीब सा ही नाम है, बबरू टाइप का रोड है और इतने बड़े बड़े लोकल गांव के बम्पर से ना भाई इतने बड़े बड़े बना दिए ना एकदम अगर थोड़े से बड़े और होते ना तो हाथ धर के कूद जाते पहले तरफ। हाँ, सही है, बाउंड्री नहीं होता, बाउंड्री बम्पर नहीं है, बाउंड्री बना दी है रोड पे भाई इतने बड़े वाले। चलो ठीक है यार, अभी 3-4 गाड़ियां ना तो ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, अकेले तो अवॉइड ही करो यार, जितना ज्यादा नेशनल हाईवे है स्टेट हाईवे तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और स्पेशली अगर रास्ते का आइडिया नहीं है तो उस रात पे मत ड्राइव करो। ये सीधा रास्ता जयपुर की तरफ निकल जाएगा, अजमेर की तरफ, यहाँ से अपन यू टर्न मारेंगे और सीधा गुड़गांव, लेकिन उससे पहले हम बीच में लेंगे कॉफी, क्योंकि हमें कॉफी चाहिए, चाय पी के 3 दिन से मैं बोर हो गया, मुझे कॉफी चाहिए स्ट्रांग। देख रहे हो ये तो हाईवे छोड़ के भैया नीचे ही उतार दिए ना, बहुत गंदा कूदा यार ये, अभी हाल फिलहाल में ही लगता हुआ है, हाँ तुरंत आइए बैठ के लगी
रूम बच गई किया किया बच गई और ये बच गई। भाई अभी आपने एक क्लिप देखा होगा जहां पे हमारी गाड़ी के आगे एक ट्रक थी, बगल से किया निकली और उसके पीछे से फॉर्च्यूनर, और जैसी गाड़ी ट्रक को हम ओवरटेक कर रहे थे, मतलब बहुत कम स्पीड थी, सामने से निकली एक भैंस, मतलब एक काली भैंस। भाई ट्रक वाले ने ब्रेक लगाया, पीछे से जो गाड़ियां थी ना वो साइड से, उनको लगा कि भाई क्या ट्रक ब्रेक लगा रहा है, यू टर्न वगैरह होगा, और बहुत तेजी में एक फॉर्च्यूनर वाला भाई निकाल के ले गया। मतलब उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसको भैंस कहाँ दिखेगी। बट यार ये सोचो कि अगर वो टच हो जाती है, भैंस दौड़ जाती, भाई एग्जैक्टली सेम मंजर था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था कि मुझे भैंस दिखी नहीं थी और अचानक से वो गाड़ी के सामने। भाई ब्रेक्स नहीं लगते, मतलब इतना ज्यादा रिस्की है ना ये चीज। मतलब मेरे को ना जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ ना हाईवे पे ना सबसे ज्यादा डर ना इसी चीज से लगता है यार। बाकी पता नहीं वीडियो में कितना समझ में आया कितना नहीं आया, बट सीरियसली यार मेरी फट गई थी हाथ में, मैं लगा शिट यार लगी लगी लगी, और टचवुड माता रानी की कृपा से दोनों गाड़ी सेफली निकल गई और उसके बाद फिर हम निकले। भाई हाईवे पे कुछ भी होता है यार, कुछ भी। बहुत लोगों को लगता है फ्लाइट से ट्रैवल करना रिस्की है, ये ट्रैवल करना रिस्की है, मतलब ट्रेन से। हाईवे जितना रिस्की है ना भाई उतना कुछ भी रिस्की नहीं है, बहुत अनसर्टेनिटी है हाईवे पे। भाई पीछे से भी गाड़ियां इतनी तेज आ रही है ना, पैनिक ब्रेकिंग कर भी नहीं सकते हैं, करते नहीं आप। हाँ बस तो समझो पैनिक ही हो जाएंगे। यहाँ पे रुके जी, थोड़ा सा फ्रेश भी हो लेंगे और एक कॉफ़ी भी उठा लेंगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर कॉफ़ी मिलेगी नहीं। घर जाते वक्त एक ब्लूटूथ का इसे भी उठा लेंगे भाई। नहीं मेरे को तो घर जाने के बाद तुरंत रेडी होकर निकलना है। स्टारबक्स क्या गई गाड़ी? स्टारबक्स क्या, वॉशरूम होगा इनके पास? नहीं वो मना कर रहे हैं। दिस इज जैगरी पाउडर, ये गुड़ गुड़ का भाई ये देखो शुगर के नाम पे ना गुड़ का पाउडर, जैगरी पाउडर डाल दिया है। अब ये दो डाल दिया है, ले लो देखा नहीं था, ध्यान से नहीं देखा, दे रहा टांग ले गया। तो फिर ये क्यों ले रहे हो भाई? बाकी लोग तो आगे निकल गए, हम ना कॉफी उठाने रुक गए थे, बाकी लोग अपना सीधा इसी रास्ते पे कहीं पे डिनर विनर का प्लान है। बाकी अज्जू भाई कैसा लग रहा है फॉर्च्यूनर चला के स्टीयरिंग पे बैठ के? पहला प्यार याद आ जाता है ना वाइब वाइब, बट स्टोरी स्टोरी का स्टीयरिंग में फील आई मी है। हां ना बिल्कुल पकड़ के यार, देखो इंडिया में कितने काम करवा लो, बट ये बड़ा काम नहीं हो पाया। भाई मैंने कहा भाई को भाई थोड़ी देर चलाने दो, मेरे को एक्चुअली मेरे को एक काम था छोटा सा, एक मेल का रिप्लाई करता था वो हो गया, तो मैंने कहा भाई अब आप पीछे बैठो आराम से चौचक तरीके से, अब हम चलाएंगे। हाँ आपने फील ले ली, मेरा काम हो गया, अब हम गाड़ी चलाएंगे। का जो अपना दिन था ना इतना ख़राब भाई, ये जो मेन हाईवे है ना 27 मिनट स्लोअर है, ये देखो 27 मिनट स्लोअर, क्या करे यार कैसे पहुंचे भाई। मेन हाईवे को छोड़ के तो अपन ना अंदर किसी गांव में ले लिया है, क्योंकि जीपीएस भी यही रास्ता बता रहा था कि भैया यहीं से लो ना, तो मेन हाईवे पे तो तुम्हारी कचुम्बर निकल जाएगी। हाँ पिछवाड़े की बैठे बैठे 25 मिनट तो दिखा रहा था, कोई भरोसा नहीं है कि एक घंटे का हो दो घंटे का हो कितने देर का हो। भाई इतनी तेज भूख लगी थी ना, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि घर जाऊं, मैं कहा यहीं पे कुछ मंगा लेते खाने के लिए। और हम लोग तीनों अलग अलग टेबल पे बैठे हैं ना, घेर रखी है हाँ, कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। इतनी हिम्मत नहीं है ना कि मैं बैग भी उठा पाऊँ, मैंने कहा फिर भी ले चलो यार, क्योंकि इसमें अपना सारा अपना चार्जिंग वार्जिंग वाला सामान है। थक गए यार, मतलब ऐसा नहीं है कि 5 घंटे की ड्राइव में थक गए, दिन भर जो आज कुछ नहीं किया ना उससे बहुत ज़्यादा शरीर टूट गया, प्लस खाना नहीं खाया था। चलो गाइस करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मेरी सीरियसली इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अभी बैठ के एडिट करूँ, लेकिन काफ़ी लेट हो गया एंड करना पड़ेगा, नहीं तो सुबह नींद नहीं खुलेगी। तो इस व्लॉग को करते यहीं पे खत्म, आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा। दिन पता नहीं कैसा था, अच्छा था ख़राब था, शुरुआत बहुत ख़राब से हुआ लेकिन अच्छा, चलो घर पहुँच गए सब लोग सेफली पहुँच गए, गाड़ी की चाबी मिल गई, तो मिला जुला के ठीक था। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नॉट टू डू सब्सक्राइब टू चैनल, मिलते आपसे कल के व्लॉग में, टिल देन